नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के बुलंदशहर के बीबी नगर थाने में तैनात उप निरीक्षक विजेंद्र पाल की गोली लगने से मौत। थाने में ही तैनात दरोगा नरेंद्र की सर्विस रिवॉल्वर से चली है गोली। घटना के बाद भाग रहे आरोपी दरोगा को पुलिस टीम ने गाजियाबाद से किया है गिरफ्तार। आरोपी दरोगा सर्विलांस की मदद से हुआ गिरफ्तार। मृतक उप निरीक्षक के कमरे में शौच के लिए गया था आरोपी दरोगा। मृतक के पेट में लगी गोली। उप निरीक्षक की इलाज के दौरान हुई मौत। एसएसपी समेत जनपद के तमाम आला अधिकारी मौके पर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना की बारीकी से जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के बीबी नगर थाने में देर रात हुई है घटना। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के थाना बीबी नगर में आज रात एक दुखद घटना हुई है, जिसमें थाने पर तैनात उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह, जो थाने की ही तीसरी मंजिल पर बने हुए क्वार्टर में रह रहे थे, उनके कमरे में उसी थाने पर तैनात दूसरे सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह लगभग 12 बजे के आसपास रात में पहुंचे और उनकी सरकारी पिस्टल से फायरिंग हो गई और गोली सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह के पेट में लगी। अभियुक्त सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह तत्काल उनको थाने पर तैनात ड्यूटी पर उस समय जो मौजूद मुंशी थे उसकी मदद से अपनी निजी सेंट्रो कार से लेकर के 3 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम पर ले गए, जहां पर उनकी स्थिति गंभीर थी, इलाज चल रहा था। इसी बीच सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को जब लगा कि स्थिति गंभीर है और इनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो थाने से पैसा लाने की बात कह करके वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर में सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मैं एसपी सिटी आज मौके पर पहुँचे। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के बारे में जानकारी का प्रयास किया गया तो सेलआईडी और सीडीआर से प्राप्त लोकेशन के आधार पर उनकी लोकेशन हापुड़ और गाजियाबाद के बीच में रनिंग लोकेशन मिली। तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से गाजियाबाद और हापुड़ कंट्रोल रूम से संपर्क कराया गया और मसूरी थाने की पीआरबी की मदद से उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया। सीओ सयाना को मौके पर भेज के उनको लाया जा रहा है और सही तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जहाँ तक प्राथमिक छानबीन और पूछताछ से जो जानकारी मिली है, उसमें अभियुक्त उप निरीक्षक ने बताया कि वो फ्रेश होने के लिए अपने साथी सब इंस्पेक्टर के कमरे पे गए थे। लोडेड पिस्टल थी, गलती से चल जाने की वजह से गोली पेट में लगी। फिलहाल हम गहराई से पूरे प्रकरण की छानबीन करा रहे हैं।